हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए समर फ्रेंडली ईद ड्रेसेस। अगर आप लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आप ईद पे क्या पहने, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने क्या करना है, अगर कुकिंग भी करते हैं और साथ साथ ईद भी इंजॉय करनी है, तो ऐसी ड्रेसिंग करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल रह सकें। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगी, जिसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह का ड्रेस चूज़ करना है। पहली चीज़ क्या है कि आप प्रिंट में जा सकते हैं, कलरफुल से, अच्छे से, ब्राइट से कलर लें, प्रिंट में जाएं और एक लॉन्ग शर्ट बना लें या लॉन्ग फ्रॉक बना लें, उसमें आप स्लीव्स लगा सकते हैं। जब आप ओवरऑल सिंगल प्रिंट में जाते हैं तो आपकी लुक बहुत एलिगेंट सी आती है। अगर आप सिंपल में जाना चाहते हैं तो आप वन कलर में ड्रेस बनाएं, साथ में कलरफुल दुपट्टा कर लें। इसके अलावा आप स्लिट्स का यूज़ कर सकते हैं। स्लिट्स का यूज़ करते हुए आप अपने सिंपल से वेयर को बहुत स्टाइलिश बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऊपर जैकेट कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन का आपने ध्यान रखना है कि वो फ्रेश हो। अगर आप यंग गर्ल हैं और आप थोड़ी स्टाइलिश लुक क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग जैकेट्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है, काफ्तान स्टाइल में जा सकते हैं आप। और इसके अलावा आपने प्लाजो के साथ ओपन में कुछ कर सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत एलिगेंट लगता है, जो इसमें गर्मी भी कम लगती है और आपकी लुक भी बहुत स्टाइलिश सी आती है। और सिंपल वन कलर में भी आप जा सकते हैं। अगर बच्चियां हैं तो बच्चियों को आप शरारा बना के या गरारा बना के दे सकते हैं, तो बहुत ही एक बहुत ट्रेडिशनल सी लुक क्रिएट होती है और बच्चियाँ बहुत जो है वो क्यूट लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा कि अब आपने अपने ईद के ड्रेस किस तरह का स्टिच करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ और एडवांस ईद मुबारक।